690 कराची में डॉक्टर इमरान फारूक के लंग में कत्ल होने के मैंने इंग्लिश में लंग बोल दिया ना, लंदन, उर्दू में क्या बोलेंगे? तमाम पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद हैं और शहर भर में स्याह झंडे और रंडी का बच्चा देख मुकर्रम को भेज दो ताकि साथ ही साथ हो जाए, और वो कसीदे बुर्द शरीफ की किताब भी भेज दो। एक मिनट, चोद दो, फेंक दो सब। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। एक मिनट, ये बताओ ये कसीदे की दूसरी फसल चल रही है ना? हाँ, एक मिनट रुक जाए। नहीं, ये तीसरी फसल है, बता रहा हूँ। हाँ हाँ, तीसरी फसल है। चलो ठीक है, सही है। तीसरी कब कब से शुरू हुई? तीसवें से? शेयर नंबर कौन से शुरू होगी तीसवें? वो वही हो जाएगी, हम जब वहां सहरी कर रहे होंगे। हाँ चलो जी, किसमें शेयर पढ़ना है? अरे माँ चुदा पढ़ना है 3100 शेयर। हाँ 3100 रिकॉर्ड कर ले, 3100 पढ़ना है, 3100 पढ़ना है। बहन चो इस वक्त तू ऋषि कपूर की कव्वाली में एक आदमी नहीं आया था वो लग रहा है, तो पता नहीं टोपी भोसड़ी की तेरी ऐसी क्यों लग रही है मुझे। दूसरी ले लूं? नहीं, ये सही है, सही। चलो चलो, वो है ना, है अगर दुश्मन दुश्मन, उसमें ये टोपी पहनी उसने, वो क्या नाम है वो मर गया यार, वो नहीं है वो जो मर गया यार, बड़ा जबरदस्त अदाकार था यार, जब तक उसका नाम नहीं आएगा बात अब नहीं होगी, टेंशन। वो नहीं, नहीं कपूर नहीं था यार वो हैं, अबे नहीं था वो, एक वो जो यूं टेढ़ी टोपी लगा के जो करता था, टेढ़ी कर लेता था टोपी, बहुत ले रहे यार वो 100 के ले यार वो था, वो बड़ा जबरदस्त अदाकार था यार, बहुत बड़ा अदाकार था हैं यार वो, उसने लड़कियां भी बहुत सीनों में भी आता था, वो रेप के सीन भी बहुत किया। नहीं नहीं नहीं, रेप के सीन ऐसा लगता था मक्खन खाया हुआ है वो हर वक्त, वो बड़ा यार बहुत बड़ा अदाकार था भारत में। अभी तो मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी आ जाएगा सहन। चलो चलो चलो, सहर आमिर के साथ एक मरतबा फिर खुशामदेद और नाज़रीन, कसीदे बुर्दा शरीफ, फजीलत, तशरी और इलाज, तीसरी। कैसा दिया आपको? है नहीं दिया? अच्छा है भड़वे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, आलिम ऑनलाइन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। चलते हैं आपकी लाइव कॉल्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। मेरा सवाल ये है कि वैसे कहते हैं कि इस्लाम में खुदकशी हराम है जी जी, लेकिन एक औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए खुदकशी करती है तो वो क्या हलाल होगी या हराम होगी? जी मतलब उससे कोई जरिया नजर नहीं आ रहा कि वो कैसे अपने आप को बचाए। ठीक है जी, मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है और अल्लाह तबारक व तआला की मशीन जी कभी लाइव मत बिठाने बहुत नाजुक सूरत हाल है ये इज्जत वाला मसला तो बहुत नाजुक सूरत हाल है सर, नाजुक सूरत हाल ही तो होती है। नहीं है सही तो बोला सर सवाल के बाद ले लो, मुझे मत रखो, मेरे पास कैमरा मत रखो यार। जल्दी बताओ, बोलो ना पी लेंगे, तुम पर जाएगा ज्यादा। जितनी देर में तू पूछ के बताएगा उतनी देर में टाइम चले ही जाएगा है टाइम। हम तो ठहरे परदेसी, गालिब फिल्म देखी आपने?
नजफ का दीना हूँ, शाह नजफ का दीवाना हूँ, शाह नजफ का दीवाना हूँ, झोली भर दो मौला अली। हक हक सड़ देवबंदी या अली अली या अली। क्या अच्छा चले भाई, अब्दुल्ला बिन अब्दुल वहाब आ गया। 35 सेकेंड्स। हाँ इसी तरह आके खत्म करता है। वहाब है, अब्दुल वहाब। इसका पूरा ग्रुप वहां बैठा होता है, इब्ने तैमिया, वहाब, सारे लोग वहीं। बिन बास भी तो है ना हमारे पास। मैंने आपके ही लफ्जों से सुना, प्लस ए आर वाई चैनल पर बाकायदा इसकी स्लाइड चली है कि इंजेक्शन लेने से रोजा नहीं टूटता। तो ए आर वाई मोतबर है भाई, ए आर वाई है, प्लस हमारे और भी जानने वाले हैं मौलवी। कौन है जानने वाले आपके? पाकिस्तान से हम लोगों से बहुत अच्छा ताल्लुक रहता है, वहां से हमने इन्फॉर्मेशन ली है कि जी इंजेक्शन लेने से रोजा नहीं टूटता, जबकि मुंह भर के अगर कुल्ली आ जाए तो उससे रोजा आपका टूट जाता है। मुंह भर के कुल्ली आ जाता है, उल्टी आ जाए, मतलब उल्टी हो जाए तो ना, तो मुंह भर के उल्टी आने से रोजा टूटता है, और बास फुकहा के नजदीक इंजेक्शन लेने से भी रोजा नहीं टूटता है, लेकिन बास फुकहा के नजदीक इंजेक्शन लेने से रोजा टूट जाता है। इसमें इख्तलाफ है। कोई फैसला सुनाने से पहले, कोई बात करने से पहले चारों आइम्मा अरबा जो है, यानी आइम्मा अरबा जो है, उनको पढ़ लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और उनके इख्तलाफ को भी सामने रखना बहुत जरूरी है। कौन मना कर रहा है आपको नहीं आने के लिए यार? हैं? किस भैंड चोद ने मना किया यार? जाओ। जी कौन सी कमीज खींच रहे? इसके बाद कितना टाइम होगा हमारे पास? सही है यार, इसको चेंज तो करो यार। अच्छा उठाएं जहानत का बल्ला, लगा दें एसएमएस पे छक्का। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم हाँ जी, क्या कह रहे हैं? आ जाओ। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर अमन झूठ बुलवा रहे हैं। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर अहमद लियाकत के वालिद और मुतहर कौमी मूवमेंट की राबता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर शेख लियाकत हुसैन को कराची में अब्दुल्ला शेख। आप कुछ बता नहीं रहे हो यार मुझे। हमूद देखो ऐसा नहीं होता। अदनान साहब कहाँ हैं? अदनान साहब देखें, कोई आप क्या कर बैठे हुए हैं सर? आप ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, ना ये बता रहे हैं कि ईमेल लेनी है, ना ये बता रहे हैं कि ब्रेक है। ये तो कब बोला यार तुमने? झूठ बोलते हो तुम, झूठ मत बोलो हमूद। कहां बोला था यार? मुझे तो नहीं पता ब्रेक का बोला था यार, झूठ बोलता है ये तो। खुद ही बोला होगा तुमने, वो दबा के बात ही नहीं की होगी, खुद ही बोलते रहते हो तुम।